दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोगों से जो बीएससी का मेन टॉपिक है स्टैटिक्स, आज इसके बेसिक फार्मूले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर इसकी हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इसके थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस चैप्टर की कम से कम 10 से 12 क्लासेस होंगी, लेकिन इस चैप्टर से आपके पेपर में कम से कम 20 से 25 नंबर 30 नंबर तक भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग विधिवत तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिकल सांख्यिकी माध्य, माध्य का मतलब होता है एवरेज निकालना। क्या निकालना होता है? माध्य का मतलब होता है एवरेज निकालना होता है, ठीक। तो एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज का मतलब होता है कि मान लो एक व्यक्ति के पास 10, 20, 30, 40 संख्या है, तो उनका क्या, उन संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दें, तो एवरेज हमारा क्या होगा, निकल आएगा। तो आज हम लोग इसके बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे। तो नंबर वन क्या हमारे पास, समांतर माध्य। समांतर माध्य इसी को हम लोग एवरेज भी बोल देते हैं ना, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं क्या, या अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक। अब समांतर माध्य में हमारे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग फार्मूले पे भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता था, नंबर वन फार्मूला हमारा होता था क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हर फार्मूले पर हम एक आधा क्वेश्चन भी उस तरीके से बताते जाएंगे, बटे संख्या, ठीक। तब इसका हम इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो सिग्मा एक्स अपान एन। तो आपसे कोई पूछे सबसे सिंपल फार्मूला कौन सा आता है, क्या बताओगे, सिग्मा एक्स अपान एन। इस पर क्वेश्चन कैसे आता, तो पहला क्वेश्चन देखना, इस पर क्वेश्चन आया 2, 9, 4, 8, 12, 16 का समांतर माध्य बताओ, या खाली माध्य बताओ। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम फार्मूला लगाएंगे पदों का योग बटे। तो देखो अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक, एन का मतलब कुल संख्या। तो अर्थमेटिक मीन बराबर 2, 9, +4, +8, +12, +16 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखो कितनी संख्या आ गई, अर्थमेटिक मीन बराबर 9 और 2, 11, 11 और 4, 15, 15, 8 कितने हो गए था कि हमारे पास है 23, 23 और 2, 25, 10, 35, 35 और 16 कितने हो गए, 35 और 6, 41 और 10, 51। तो 51 और 5, 6 भाग दे दिया तो हमारे पास निकल के आ गया 6, 2, 48 के 8 पॉइंट लगा हो गया कितने 30 और 6, 5, 30। तो हमारे पास एवरेज कितना निकल के आ गया, आपसे कोई पूछे समांतर माध्य कितना निकल के आ गया, 8.5। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, तो आपसे ठीक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आएंगे जब हमारी असतत श्रेणी हो, कैसी श्रेणी हो, तीन ही फार्मूले इसमें है, असतत श्रेणी हो, कैसी असतत, असतत श्रेणी। असतत श्रेणी के लिए फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ठीक, ये हो गया। तो इससे हमें क्या होगा, हमें बारंबारता दी होगी और उससे हमें क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अभी आपको इस टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे असतत विधि से, ठीक, तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगे। तो इसमें हम लिखते चले सिग्मा का क्या मतलब क्या होता है, एफ का, एक्स का और एन का। सिग्मा का पहले ही हमने मतलब बताया कि जोड़, एफ का मतलब होता है बारंबारता और एक्स का होता है मध्यमान और एन का मतलब कुल संख्या, ठीक ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्या, सतत में लघुविषय। नंबर बनाएगा लघुविषय निकालो, लघुविधि या शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड
या कल्पित विध है? आपको एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से, तो जब इस तरीके से आ जाएगा तो हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लिख के आता है सिग्मा ए प्लस माइनस, अगर हमारे पास माइनस की वैल्यू होगी तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस की वैल्यू होगी तो प्लस लगाएंगे, सिग्मा एफ डी अपान एन। ठीक, यहां पे डी का मतलब होता क्या होता है, विचलन, बाकी सब सेम है। दूसरा लास्ट आता है कि पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। अगर आता कि पद विचलन विधि से क्वेश्चन निकालिए तो फार्मूला लगाओगे ए प्लस सिग्मा एफ डी एन इंटू आई। अब कहोगे सर आई क्या होता, आई होता अंतर, ठीक, विस्तार। अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता, तो आपको समझ में आया होगा कि समांतर माध्यम निकालने के लिए कितने फार्मूले होते, एक दो तीन और चार। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इन चार क्वेश्चन से सॉल्व ना हो जाए। ठीक, सबसे पहले हमने क्या बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालेगा, फिर हमें जो बारंबार श्रेणी दे रखी होगी, क्लास इंटरवल हमें दिया होगा, तो हम सतत विषय भी, आज सतत विषय भी निकाल सकते, लघु विषय भी निकाल सकते और पद विचलन विषय क्वेश्चन निकाल सकते। ये जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे तो आप उससे क्वेश्चन निकालोगे। आज हम सबके फार्मूला डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे जाके, और बहुत तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना कैसे है ना। उसके बाद अब हम लोग आएंगे किसके, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग गुणोत्तर माध्य को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी क्लास आप लोगों को समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक बच्चों के फार्मूले नहीं तैयार होंगे तो क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे है ना। तो पहले हमें फार्मूले पता होने चाहिए, फिर हम लोग उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर थ्योरी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन करना फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा है ना। तो नंबर टू है हमारे पास गुणोत्तर माध्य, क्या है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, इसे इसको जीएम लिखते हैं, ग्रेविटी मीन। ठीक, क्या कहते हैं, ग्रेविटी या ज्योमेट्रिक, जियोमेट्री आपके किताब के हिसाब से बीएससी में अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही फार्मूले से आते हैं, इसलिए हमें ज्यादा फार्मूले नहीं लिखने हैं, हमें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही चीजें लिखनी है। तो सबसे वन फार्मूला होता है जो हमारा व्यक्तिगत के श्रेणी के लिए, किसके लिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 वन अपान एक्स पावर एन। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता, बच्चे कंफ्यूज होते सर इस पे क्वेश्चन आता तो आता कैसे है, तो इस पे जो क्वेश्चन हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन इस पे दो चार आठ का गुणोत्तर माध्य बताइए, गुणोत्तर माध्य। तो देखो पहली संख्या कितनी है, दो, फिर कितनी है चार, फिर कितनी आठ, डैश डैश डैश, अब कितनी संख्या, एक दो तीन, तीन लिख दिया जाते, इनको जोड़ा आठ चक्कू बत्तीस दूनी चौंसठ, चौंसठ मल्टीप्लाई एक बटे तीन, भाग दे दिया कितना आगे रखे, चौंसठ, चौंसठ किससे करेगा, सोलह तीन अड़तालीस, सोलह चक्कू चौंसठ। अच्छा, इस तीन का मतलब होता पावर में, ठीक, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, चौंसठ और क्या लगाएंगे तीन, तो तीन घात की चौसठ किसका मान है, चार का, चार इज द राइट आंसर। समझ में आया, जो पावर होती है जो एक्स पावर एन है ना, तो ये क्या है, हमने बताया था आपको जब वर्गमूल होता है तो दो होता है, जब करड़ी लगी होती है तो तीन होता है, तो यहाँ पे तीन है, तो तीन का मतलब क्या है, उसी संख्या के तीन बार गुणा होते हैं, चार चक्कू सोलह चक्कू चौंसठ। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम लोग अलग टाइप चलेंगे, जाके मध्यिका पे, मध्यिका पे चलेंगे,
मधिका के क्वेश्चन डिस्कस कर फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुलक के और ये चैप्टर के हम लोग सभी फार्मूले हो जाएंगे हमारे पास में। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे मधिका थ्री, मधिका इसको कहते हैं मीन मीडियन, ठीक। ठीक, सबसे पहले इसका सम का फार्मूला क्या होता है? सम का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछता है तो n अपॉन टू वे पद का मान n अपॉन टू प्लस वन वे पद का मान और पूरे पे टू। और अगर कोई विषम का फार्मूला बताओ आपको विषम से तो क्या बताओगे? n प्लस वन अपॉन टू वे पद का मान। अब सर सम और विषम कैसे संख्या जानेंगे? तो सम और विषम, जो संख्या दो से कट जाती वो सम होती, जो संख्या दो से नहीं करती वो विषम संख्या होती। यहाँ पे नोट क्या लिखना है, जो गलती हमसे होती, सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लगाएंगे। किसमें? आरोही क्रम में क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर आरोही क्रम में क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। या तो अवरोही में भी लगा सकते हैं, फिर हमने एक ही में ध्यान करना है कि हम लोग करेंगे आरोही क्रम में क्वेश्चन को लगाएंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया। उसके बाद लास्ट फार्मूला जो हमारे पास, क्या सतत में वर्ग अंतराल दिए हो? क्या दिए हो? वर्ग अंतराल। तो फार्मूला तो L1 प्लस n अपॉन टू माइनस सी इंटू एफ इंटू आई। अब इससे कहते हैं किसे L1 किसे कहते हैं, L2 किसे कहते हैं, I किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं, n किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं। तो L1 होती वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। सीमा हेजर वाली सीमा नहीं है, सीमा लिमिट वाली। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, उच्च सीमा। वर्ग अंतराल का विस्तार या अंतर लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल का मतलब इन दोनों का अंतर ही होता है। वर्ग अंतराल का विस्तार या अंतर लिख दो, विस्तार या अंतर, ठीक। यह क्या होती है? मधिका वर्ग की वारंवारता, मधिका वर्ग की, वर्ग की मधिका वर्ग की संचयी वारंवारता की, संचयी वारंवारता के ठीक सामने की संख्या, ठीक सामने की संख्या, सामने की यानी क्या होता है? कुल नंबर, कुल नंबर। ये क्या आता है? उसके ठीक मधिका वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर की संख्या, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर की संख्या, ठीक ऊपर की संख्या, ठीक। ये तो हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या, मधिका के भी हम लोगों ने फार्मूले डिस्कस कर लिए। अब लास्ट फार्मूला हम लोग बहुलक का है, तो उसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, बहुलक। अच्छा, बहुलक का क्वेश्चन मान लो इस तरीके से आता है, दो आठ आठ सात आठ आठ नौ नौ का बहुलक बताओ, बहुलक बताओ। तो आप क्या करोगे? तो इस तरीके में कोई फार्मूला क्या बताओगे? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है। तो लिखोगे अतः, लिखोगे जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, सबसे अधिक बार आती है, आती है वही बहुलक होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक कितना है? बहुलक को कहते हैं हम लोग मोड, बहुलक कितना है? इसकी बारे में पता सबसे अधिक है आठ की, एक दो तीन चार आठ इज द राइट आंसर, ठीक। उसके बाद बहुलक का एक हमारा फार्मूला लास्ट ले जाता है बहुलक का। तो होता है हमारे पास मोड बराबर L1 प्लस
एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। ठीक, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, एल वन क्या होता है, एफ जीरो क्या होता है, एफ टू क्या होता है, ये हम जब इसकी क्लास लेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आएगी। और आप लोगों को थोड़ी सी भी क्लास समझ में आई होगा तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।